ये भाई की ये फिजिक्स इग्नोर करती राइम्स के साथ मेरा ध्यान मेटाफोर्स पर भी वो बोले तेरा एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा तेरी सीरत साफ फ्लोर डिलीवरी ऑन माय फुट तो ये डिलीवरी मैंने इन्हें यार कर दी ये जगह ले नहीं पाएंगे मैं शीशे की तरह मेरे दामन में दाग हजारों हैं मेरे या पहुंच कर भी मैं हैवी ड्राइवर ये ड्राइव पॉल वॉकर की तब मास्टर टीच मी मास्टर अभी देखो फरारी में चकरी बन रही इधर वहां पे नैनो में बन रही थी मास्टर टीच मी इधर फरारी में चकरी बन रही खुली एक हैशटैग देखा गो बैक मुनव्वर पाकिस्तान चले जाओ तुम्हारा देश नहीं है ये चीज किसी को अच्छी नहीं लगी जो ये देश में रहता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे भी ये चीज़ बहुत हॉन्ट कर रही है तकलीफ दे रही है कुछ नहीं किया यार कुछ भी नहीं किया जस्ट वही पुरानी चीज़ को लेके वापस सेम चीज़ रिपीट कर रहे एनर्जी वेस्ट कर रहे हेट फैला रहे यार सीधा सीधा एक मॉप को भेज रहे सीधा सीधा कि जाओ इसको ये कर दो गाली दे दो क्यों क्या हासिल क्या है इससे कुछ किया भी तो नहीं यार नॉर्मली लोगों का दिल जीत रहा हो इससे प्रॉब्लम टिकटें बिक रही है उससे प्रॉब्लम क्या है मत करो यार मत करो एक आर्टिस्ट को एक मत दबाओ नहीं दबेगा आर्टिस्ट बहुत जिद्दी होता है यार देखो तो इतना जिद्दी मत बनाओ कि मैं जब वो अपनी जिद पूरी ना कर पाऊँ ना मैं ये चीज़ छोड़ दूँ मैं कॉमेडी छोड़ दूँ वहाँ तक मुझे मत पहुँचाओ क्योंकि मैं वो छोड़ दूंगा ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा मैं जी नहीं पाऊंगा और वो तुम मुझे करने नहीं दे रहे कुछ नहीं बोल रहा यार शोज कैंसिल कर अरे तुमको क्या लगता है यार कितने गरीबों के 40-50 गरीबों के घर चलते एक शो पे डेढ़ दो साल से काम बंद थे और अब वो सारे काम शुरू हो रहे मत करो यार ये हेट की इकोनॉमी को मत बढ़ाओ प्यार बहुत कम है यार लोगों को हंसा के दिखाओ यार ऐसे लोगों को तकलीफ मत दो परेशान मत करो सब जानते हैं यार जो सब जानते हैं ना जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी अंधे नहीं है पागल नहीं है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको पता है गलत नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लेके क्या का क्या बना दिए झूठा केस बना दिए सबको पता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आप नहीं सुनना नहीं चाहते मुझे मत करो ये लोगों से ये हक मत छीनो कि वो देखे क्या ये यूथ है यार ये सब जवान लोग है जो खुश है जो हंसना चाहते हैं जो शोज देखने आते हैं ये जवान लोग हैं यही है सब कुछ इनको नाराज मत करो और मैं मेरे फॉलोअर्स जो भी है सपोर्टर्स किसी को गाली मत देना सामने जाके किसी से आर्ग्यूमेंट में होल्ड मत करना सपोर्ट करना अपने सपोर्ट से करना अपने हिसाब से सपोर्ट करना तुम लोग जानते हो मुझे क्या चीज़ पसंद है वैसे ही सपोर्ट करना हमको किसी माँ को किसी बहन को किसी को नहीं बोलना तू ये वो नहीं सपोर्ट करो नॉर्मली बस किसी के आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में तो उस पर ध्यान देते और बस और कुछ नहीं मुझे मैं नहीं चाहता था ये करूँ मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ये करूँ मैंने कभी नहीं किया ये अभी आज जो कर रहा हूँ मैं मुझे कभी इतना दिल भारी नहीं हुआ कि मुझे ये करना पड़े मैं हमेशा गाने लिख देता था वीडियो डाल देता था मैं अपना लोगों को एंटरटेन करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देता था कि यार तो चार लोग गाली दे रहे तो कुछ 4,000 लोग आके जब लिख के जाएंगे आई लव यू तो अच्छा फील होगा तो उसलिए काम करे जा रहा था ये कभी ना करता मैं और मैं नहीं अप्रिशिएट करता ये शायद मैं ये चीज़ आखिरी बार कर रहा हूँ तो बस मत करो यार मेंटल पीस के लग चुके यार बस लग चुके यार बस ना क्या कर क्या लटक जाओगे नहीं ना लटक भी जाऊंगा यार तो क्या ही फर्क पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 4-5 दिन लोग बात करेंगे फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ सुकून हो जाएगा क्या तुमको खुश हो जाएगा जिसके लिए लड़ रहे हो वो खुश हो जाएगा क्या क्या सही करवाया तुम लोगों ने नहीं ना तो मत करो यार खत्म करो एंटरटेनमेंट तो आता ही रहेगा भाई।